और अब करण भाई। हाँ भाई क्या बेसिकली इसने कैमरा पॉइंट करा, बोलता करण भाई कुछ कंटेंट दो ना जो शांति थी ना दो सेकंड के लिए, वो था कि कंटेंट दो ना करण भाई। Hi gamers, what is up? It's your boy Gamer Fleet here. Welcome to the first vlog, like official wala. पहले कर चुका हूँ एक बार, but वो तुम्हें पता है वो skit थी. तो yes, आज हम लोग निकल रहे हैं करण भाई से मिलने के लिए. And जहाँ हम जा रहे हैं वो है एकदम पहाड़ी इलाका, like यहाँ से 2-2.5 घंटे की दूरी पे. और देखते हैं guys क्या होता है. First time करण भाई से मिलने जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा hyped हूँ. और बस मैं awkward ना कर दूँ चुप रह के, तो भगवान प्लीज यार मैं कोड ना करूं चुप रहके. तो चलो गाइस तैयार होके मिलता हूं. ओके तो गाइज हम लोग तैयार हो चुके हैं और आज मैंने ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक पहना हुआ है, लिविंग द शूज, क्योंकि करण भाई से मिलने जा रहे हैं तो यू नो ना उनका कलर लाइक ब्लैक है एंड एवरीथिंग, तो इसलिए मैंने भी ब्लैक पहना हुआ है. और गाइज तुम लोग यकीन नहीं मानोगे जितना ठंडा यहाँ है उससे दुगना ठंडा जहाँ पर करण भाई अभी रह रहे हैं वहाँ पर है. तो ये चीज़ बहुत खतरनाक होने वाली है और रास्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो मैं वो रिकॉर्ड करके आपको दिखाते रहूँगा. 7:44 हो चुके हैं तो हम लोग निकलने वाले हैं अराउंड हम लोग 8 बजे यहाँ से निकलेंगे. प्रदीप के आने का वेट हो रहा है तो एक बार प्रदीप आ जाता है तो उसके बाद हम लोग निकलते हैं यहाँ से. तब तक मैं थोड़ा चाय वाय पीता हूँ और मिलता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से. ओके गाइज तो देखो कौन आ चुका है. तो मेरा बेटा आ चुका है गाइज. ठीक है भाई, मेरा बड़ा बेटा आ चुका है. अबे साले. ओके तो गाइज देखो कौन आ चुका है. प्रदीप यहाँ पर है गाइज. और यस, इसको आप लोग कमेंट में बिल्कुल पप्पू पप्पू करके चिल्ला सकते हो, लेकिन ठीक है ठीक 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 है. तो गाइज हम लोग निकलने वाले हैं, अब निकलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है. और प्रदीप टाइम बता दे एक बार, टाइम क्या हो रहा है, और फिर वो भी बता देना कि मैंने तुझे कितने बजे बुलाया. सही टाइम हो रहा है 8:20. इट्स 8:20 गाइज. मैंने उसको 8 बजे बोला था, शायद से वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था 8 बजे निकलेंगे. हाँ प्रदीप ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया. तो ये मैं पहली बार व्लॉग कर रहा हूँ, पहली बार प्रदीप होगा मेरे साथ जो कि व्लॉग नहीं कर रहा है. मैं हर बार प्रदीप व्लॉग करता था. और एक चीज़ और अच्छी है कि मैं अपना पहला व्लॉग कर रहा था प्रदीप मेरे साथ है, और प्रदीप ने अपना पहला व्लॉग किया था तो मैं उसके साथ था, तो ये चीज़ बहुत कूल सी है. तो गाइस डिस्क्रिप्शन में प्रदीप का चैनल का लिंक भी दे दूंगा, क्योंकि रास्ते में सारे शूट्स होंगे लाइक ऐसा सीनरी वीनरी के शूट जो आपको देखने को मिलेंगे वो सारे प्रदीप के फ़ोन से करेंगे. बार बार कैमरा तो निकालने वाले हैं नहीं, बहुत लंबा रास्ता है. प्रदीप तुम बाइक चलानी आती बेटा? अरे अच्छे से है ना, तो वेरी गुड. तो गाइस प्रदीप को इतना अच्छे से नहीं, इसको बिल्कुल भी बाइक चलानी नहीं आती है. तो मेरे को कम से कम नहीं भी तो लाइक 2 घंटे आई थिंक, 2-2.5 घंटे मेरे को चलानी पड़ेगी बाइक पूरे टाइम, और आते समय भी जाते समय भी. तो ये चाचा फिर भी बाइक नहीं सीखेंगे. और ऐसा मत समझना कि इसको बाइक नहीं आती, इसको कार आती है, कि इसको कार भी नहीं आती है. तो यस एकदम यूजलेस बंदा है बिल्कुल, साथ में खाली ले जा रहा हूँ मैं इसको. ओके तो अभी हुए हैं सिर्फ 9:44, लेकिन हम लोगों ने ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है. रामनगर अभी भी 26 किलोमीटर ऊपर है इधर की साइड को. ठीक है तो 26 किलोमीटर हमें और आगे जाना है. ये पहला पेट्रोल पंप पड़ा था, मेरे को थोड़ा टॉयलेट भी लग गई थी, तुम लोगों को पता है स्ट्रीम से देख के. तो यस गाड़ी में अभी फ्यूल फुल कराया, ऑलमोस्ट 6.5 लीटर के आसपास इसमें आ गया है. तो हाँ मैं सोच रहा था बीच में आपको एक अपडेट देता हूँ उतर के. तो यार कसम से यार थकान तो हो रही है बाइक चलाते हुए, ठंडा एक अलग ही हो रहा है. वो तो अच्छा भाई इतना पैक वैक होकर आए थे मैं और प्रदीप. अरे मैं बता रहे हो, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग में मज़ा आ रहा होगा. लाइक ठोक देना फटाफट और चलते हैं आगे को. ओके okay?
तो यस हम लोग हैं रामनगर में। अभी मैं सोच रहा था थोड़ी सी करण भाई के लिए लाइक पहाड़ी मिठाई पैक करा देता हूँ। तो आनंद स्वीट ओके ठीक है उल्टा दिख रहा है तो आनंद स्वीट स्वीट शॉप करके है, तो वहाँ से हम लोग मिठाई पैक करा रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल एकदम लाइक क्या कहते हैं पहाड़ी मिठाई है, बिल्कुल बाल मिठाई और चॉकलेट जो होती है पहाड़ी चॉकलेट बोलते हैं उसको, तो ये दोनों पैक करा रहे हैं। और हम लोग थोड़ा उल्टा आ गए थे, हम लोग एक्चुअली ब्रिज से हम लोगों ने राइट ले लिया था, हम लोगों को सीतावनी रोड पे जाना था। तो अभी हम लोग वापस आएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, मुश्किल से लाइक 500 मीटर के आसपास आगे आ गएंगे। तो हम लोग वापस चलते हैं, अब मैं सीधे मिलूंगा तुम लोगों को करण भाई से मिलते टाइम। तो बाय बाय। ओके गाइस एक सीन हो गया, हम लोग आप देख सकते हो कहाँ पर है, तो एकदम मस्त जगह है, लेकिन इस घोंचू घटियार की वजह से मतलब प्रदीप क्या 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 नेविगेटर बनेगा रे तू है कैमरे में भाई शीशे में देख रहा है, गधा इतना बड़ा वाला है कि इसने लिटरली इतना गलत रास्ता दिखाया। लेकिन इतनी प्यारी जगह ना, एक बार आप जगह देखो यार, लोकेशन देखो कसम से, जगह इतनी प्यारी है ना। बट गाइस गलत जगह आ गए, अब हमें पूरा वापस जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर आई गेस, और उसके बाद वहां से निकलना पड़ेगा। तो यस वन इटर्निटी लेटर। ओके गाइस तो भाई भाई कैमरा सेटअप देखो भाई, गेमर फीड करोगे मैं अपने ब्लॉग में कैमरा, आपको गेमर फीड का सेटअप देखना है ना गाइस, बस इतना याद रखना ये फोन तब भी मेरे से डबल, मेरे कैमरे से डबल। भाई क्या कैमरा है भाई, कैमरा भाई क्या क्या रखा हुआ है गाइस, ये अभी भी ये कैमरा, ये कैमरे से डबल प्राइस का इनका वो है आईफोन है। और ठीक है भाई, ठीक है करण भाई ये कर लो, कुछ नहीं होता गेमर प्ले, दिल भी कुछ होता है, ठीक है कुछ होता है। ओके तो गाइज यस हम लोगों को काफ़ी टाइम हो चुका है, यहाँ पे 15 मिनट नहीं हुए हैं, ठीक है। और हम लोगों ने करण भाई के साथ भी एक शूट किया उनके चैनल के लिए, KSM के लिए, और करण भाई ने भी अपना मस्त सा व्लॉग डाला है। करण भाई बस एक मैजिक ट्रिक ऑन मिस्टर प्रदीप, मिस्टर प्रदीप हो जाए, एक छोटी सी मैजिक ट्रिक हो जाए मिस्टर प्रदीप। यस प्रदीप आर यू रेडी, आर यू रेडी, बढ़िया कुछ करते हैं। तो प्रदीप भाई कोई सेटअप नहीं करा हमने, ये मेरे स्टैंडर्ड लाइन है, मैं जिसको भी मिलता हूँ मैं बोलता हूँ कुछ सेटअप नहीं करा, तो प्रदीप भाई कुछ सेटअप नहीं करा है। मेरे पास कार्ड्स हैं, बिल्कुल नॉर्मल डेक है, कोई ट्रिक डेक नहीं है, कुछ नहीं है, सारे अलग अलग हैं, कोई सेम कार्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो कोई भी कार्ड ले लो, कोई भी आपकी मर्जी है, खुद देख लो, कैमरा को दिखा देना, मुझे मत दिखाना, मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ, कैमरा को दिखा देना।
इसको पॉकेट में रख लो, उसके ऊपर बैठ जाओ, कुछ ना कुछ करो ताकि मुझे ना दिखे। ये आप दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। एक चीज ट्राई करते धीरे धीरे, आई विल ट्राई टू फोकस इन योर एक्सप्रेशंस एंड ट्राई टू फिगर आउट कि आप कौन सा कार्ड सोच रहे हो। तो पहली चीज जो मुझे फिगर आउट करनी है वो है कि आपका कार्ड ब्लैक है या रेड, बताना नहीं आपको कुछ, जो भी आपको माइंड में बोलना है। कैमरा की तरफ देखो एंड थिंक कि आपका कार्ड ब्लैक है या रेड है। जस्ट थिंक ब्लैक या रेड। अरे भाई कोई एक्सप्रेशन नहीं है इंसान की, कोई एक्सप्रेशन नहीं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू टेक दिस स्टेप फॉरवर्ड। क्लब्स, हार्ट्स, स्पेड्स, डायमंड्स, जो जो आपको पता है ना कौन सा होता है, बस सोचो क्लब्स, हार्ट्स, स्पेड्स, डायमंड्स से क्या है। बहुत जल्दी जल्दी इसने नॉड करा and that nod was to say हाँ ठीक है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, that's what usually happens। मगर when I said clubs, hearts, spades, diamonds, जो जल्दी nod हुआ, that is to signify कि पहले दो में होगा, तो it's either clubs or hearts, think club है कि heart है। शायद कैमरा में दिखाओ, थोड़ा सा ये हुआ था, Adam's apple ये थोड़ा सा move हुआ था, उसने swallow करा था, तो swallow is usually क sound, क will be clubs, so I think it's clubs। Think number क्या है, number or picture जो भी है, think of that। और अपने माइंड सोच तो हल्द्वानी में और मैं यहाँ पे हूँ तेरे से दो ढाई घंटे दूर, एंड यू हैव टू स्क्रीम दिस कार्ड बहुत। सो फॉर एग्जांपल अगर एस ऑफ क्लब्स है तो अपने माइंड में एस ऑफ क्लब्स, एस ऑफ क्लब्स, एस ऑफ क्लब्स चिल्लाता रहे, कीप सेइंग। कुछ कुछ लोगों ने कैमरा में देखा होगा उसने भी ये करा, ऑलमोस्ट गिविंग इट अवे, सर साउंड, कीप सेइंग इट, सेवन ऑफ क्लब्स, सेवन ऑफ क्लब्स, सेवन ऑफ क्लब्स, सेवन ऑफ क्लब्स, सेवन ऑफ क्लब्स। प्रदीप क्या है, दिखा कार्ड, दिया Seven of clubs. Yes, bro. Yeah. Karan bhai. हाँ भाई. An Academy. मैं बोलूँगा तो वही, जो हर बार बोलता हूँ वही बोलूँगा. Okay, guys. तो पता नहीं करण भाई. हटी. आपने बोल तो दिया वही जो था लेकिन. हाँ. अभी सिखा नहीं रहा मैं. An Academy भी नहीं सिखाऊँगा. जब तक बहुत सारे पैसे मिलते. अरे भाई. लेकिन. कभी तो सिखाओगे लाइफ में एक बार, एक बस एक छोटा सा, कभी नहीं। जा वापस। ठीक है भाई, अपना ब्लॉग हो गया, अपना वीडियो रिकॉर्ड हो गया, केएसएम वाला, अभी जाके मरली। ठीक है, अलविदा, शुक्रान, मा सलामा, टेक केयर, डू व्हाटएवर यू वांट माय लव फ्रेंड्स। अभी करण भाई ने लाइक लंच का किया हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और प्रदीप कैसा मजा आएगा ब्रो? बहुत ही मजा आ गया। पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे कैसे, मैं बिल्कुल नहीं ऐसे कह रहा हूं करण भाई। क्या याद है यार, आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी सीखना है तो कहीं और जाए, यहां कुछ नहीं मिलेगा। गजब बेइज्जती है। ओके, तो गाइस करण भाई ने बोला था 5 मिनट रुक जाओ, कुछ खाने वाने का करते हैं। करण भाई 2 बजे आपने बोला था कुछ खाने वाने का करते हैं, कितना टाइम हो गया? भाई तब दिल्ली का चलता है, आधा घंटा तो अलाउड होता है, लेट होना है। चिकन चावल सब है भाई। ओके गाइस, तो यस खाना वाना खा लिया है करण भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत मजा आया भाई, गिव अ प्लीट भाई, पहली और आखिरी बार मिलके इतना अच्छा लगा। ये तो फिर कौन आएगा इस जंगल में, मतलब मैं आऊंगा ना, फिर मैं आऊंगा ना दिल्ली, फिर तो मिलोगे आप? हाँ दिल्ली आएगा तो मिलेंगे, बस दिल्ली में तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं साथ में। हाँ, तेरे को बिठाते हैं वॉशिंग, आई मीन घर में। ओके गाइस, दिल्ली कैंसिल है। ओके करण भाई, सिंसियरली थैंक यू सो मच, सी यू भाई, बहुत मजा आया भाई, लव यू करण भाई, थैंक यू सो मच, लेट्स गो। यार कसम से गाइस मजा आ गया यार, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस कि लाइक इतना मजा आएगा, मेरे को लगा करण भाई बहुत करण भाई बहुत अच्छे हैं, जैसा आप लोग स्ट्रीम पे देखते हो, मेरे से ज्यादा गालियां है शायद ही किसी को निकालते होंगे। मतलब मेरे को लगा था करण भाई, मैं करण सिंह मैजिक से मिलूंगा कि मतलब करण भाई बहुत बोजिंग, करण सिंह करण सिंह, और इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस, और मैं खुश हूँ कि ये मेरा पहला व्लॉग है अच्छा वाला। ठीक है, बहुत बेइज्जती हुई है मेरी यहाँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो करण भाई थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, लेट्स गो। किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं करा इसको तो कर दो यार। कर दो यार। ओके गाइस, तो आई विल सी यू एट होम, बाय बाय। ओके, तो गाइस कल को हम लोग गए थे करण भाई से मिलने के लिए, और मैंने बोला था कि घर जाके एंडिंग शूट करूंगा, लेकिन तुम लोग देख सकते हो यार अभी सुबह हो चुकी है, अगली इतनी खतरनाक नींद आई है मेरे को, ना मैं स्ट्रीम कर पाया ना कुछ कर पाया, मैं सीधे घर आया, थोड़ा थका हुआ था, हल्का सा काम था वो किया और सीधे जाके सो गया। अभी उठाऊं और अभी तुम लोग देख सकते हो, मतलब आई एम रेडी टू गो
समवेयर, तो हम लोग जा रहे हैं प्रदीप की बर्थडे पार्टी में, यस। और वो ब्लॉग फिर वो मैं नहीं डालूंगा, वो ब्लॉग वो मैं अपने ब्लॉग में एड नहीं करूंगा क्योंकि ब्लॉग उसका प्रदीप कर रहे हैं, तो प्रदीप का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में। और मेरे ख्याल से ये वाली वीडियो आने से पहले वो अपना बर्थडे वाला ब्लॉग डाल देगा, तो वो भी है, तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आई होप आप लोगों को ये मेरा पहला ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना और शेयर ज़रूर करना सब लोगों के साथ। और इट वॉज लाइक यार मैं मजाक नहीं करूँगा, तो द थिंग वॉज कि मेरे को लगा था बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा मैं जब करण भाई से मिलूंगा, बहुत अजीब सा हो जाएगा लाइक, क्योंकि मैं उनसे पहली बार मिला और मैं बहुत ऑकवर्ड बंदा हूँ, लेकिन करण भाई सो कूल एंड लाइक काम एकदम, जैसे वो स्ट्रीम पे है ना वैसे भी नहीं, उससे भी थोड़े और प्यारे से हैं। और इतनी हमारी बात हो गई, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है, मतलब ऑफ टॉपिक बातें हो रही थी, कुछ भी हो रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किसी लाइक समझ रहा हूँ मैं किसी बहुत लाइक बड़े मैजिशियन से मिल रहा हूँ, ये सब चीज़ें। मैं उनसे मिला और मेरे को बिल्कुल आई वॉज फीलिंग राइट एट होम टू बी ऑनेस्ट विद यू, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इनको बहुत टाइम से जानता हूँ। एंड देट वॉज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस व्लॉग, मैं इतना दूर गया, मैं लिटरली 6 किलो 6 बार मतलब 6 घंटे मेरे को आने जाने का ट्रैवल लगा है, और इट वॉज ऑल वर्थ इट यार। और खाना भी बहुत मस्त था करण भाई, आई लव यू इफ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गाइज तो ये करण भाई का डॉगो है यहाँ पे, डॉग कोको। गाइज तो तुम्हें यकीन नहीं होगा इसका नाम भी कोको है, इसका भी कलर सेम है, एक मिनट गाइस एडल्ट कंटेंट हो जाएगा थोड़ी देर में। और यस इसका नाम भी कोको है, बस ये थोड़ा सा हमारे कोको से बड़ा हो गया। ओके ठीक है, तो यस ये कुत्ता नहीं है गाइज, अभी पता चला मेरे को। अश्लील है ये लौंडा।